नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल में। दोस्तों, आजकल के समय में हर व्यक्ति निराश नज़र आता है, हर व्यक्ति तनाव में नज़र आता है। और दोस्तों, आजकल के समय में कामों का इतना ज़्यादा प्रेशर आ जाता है कि हर व्यक्ति शाम को अपने घर जब पहुंचता है तो पूरी तरह से थक चुका होता है, उसे किसी भी काम को करने में मन नहीं लगता है। इसके साथ साथ विद्यार्थियों के ऊपर भी बहुत सारा प्रेशर हो जाता है, पढ़ाई करते हैं तो बहुत ही जल्दी थक जाते हैं। तो दोस्तों, हमारे आयुर्वेद में कुछ ऐसे नुस्खे हैं जिनका सेवन करने से आपके शरीर के अंदर दर्द कम हो जाता है, आपके शरीर के अंदर थकान कम हो जाता है। इसके साथ साथ आपके शरीर के अंदर कैल्शियम को बनाए रखता है, आपके शरीर के अंदर फैट को कम करता है। फैट उतनी ही मात्रा में मिलता है जितने की आपको ज़रूरत होता है। दोस्तों, हम सभी लोग जानते हैं आजकल के व्यस्त जीवन शैली में खान पान को लेकर के हर आदमी लापरवाही बरतता है, रास्ते चलते हुए फास्ट फूड का सेवन कर लेता है या फिर समोसे बर्गर चाउमीन का सेवन करता है जिसमें फैट की मात्रा ज़्यादा होता है। इसके साथ साथ वह तली भुनी भी होता है जो हमारे सीधा लीवर पर असर करता है, हमारे लीवर को कमज़ोर कर देता है, बाद में हमारे पेट में समस्याएं होने लगती है, बार बार गैस छूटता है, कब्ज की समस्या हो जाती है और खाना जल्दी पचता नहीं है। तो दोस्तों, आखिर कौन सा उपाय है जिनका हम अपने जीवन में अपना लें तो इन समस्याओं को खत्म कर सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, अगर आप रात्रि में दूध पीते हैं तो दूध पीना हमारे सेहत के लिए अच्छा है, लेकिन अगर आप उसमें थोड़ी सी मात्रा में गुड़ डाल दें तो आपको थकान से छुटकारा मिलता है, आपकी हड्डियों में कहीं दर्द है उससे भी कम किया जा सकता है। क्योंकि दोस्तों, दूध में कैल्शियम होता है और अक्सर दूध पीने की सलाह रात को सोने से पहले दी जाती है, तो अगर आप उसमें 5 से 10 ग्राम गुड़ की मात्रा ले लें तो आप इस सभी समस्याओं को खत्म कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको इस बात का ध्यान देना होगा कि आप जो दूध लेंगे गर्म दूध, वो गाय का दूध होना चाहिए। गाय के दूध में फैट की मात्रा बहुत ही कम होती है एज़ कम्पेयर टू भैंस के दूध में। जी हाँ दोस्तों, भैंस के दूध में फैट की मात्रा ज़्यादा होता है, तो अगर आप गाय का दूध लेते हैं, गर्म दूध लें, गर्म दूध में 5 से 10 ग्राम आप गुड़ को डाल दें, उसे पी लें, या फिर आप एक घूट दूध को पिए और थोड़ी सी मात्रा में गुड़ को चबा चबा कर खा लें, फिर से दूध को पी लें, ऐसा करते हैं तो देखेंगे आपके शरीर के अंदर ताकत आएगी, आपके शरीर के अंदर कमजोरी दूर होगी, आपके शरीर के अंदर थकावट भी नहीं रहेगा, आपको रात्रि में नींद बहुत ही अच्छी आएगी। और दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।